हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टीचिंग फेयर। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो दोस्तों खास है, यहाँ पे सिर्फ चार ही स्कूल मैंने कवर किए हैं। ये इसलिए क्योंकि ये चारों स्कूल बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करने वाले स्कूल हैं, यानी कि सेंट्रल पे स्केल फॉलो करने वाले स्कूल हैं। यहाँ पे वैकेंसी सभी पोस्ट के लिए आई हुई है, इसकी डिटेल्स आपको बताऊँगी कौन कौन से स्टेट से आई हुई है। मगर उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करो। हमारी एवरी डे आपको यहाँ पे प्राइवेट स्कूल की अपडेट्स, वैकेंसीज अपडेट्स मिलते रहेंगी दोस्तों, और साथ ही साथ थोड़े मोड़े टिप्स भी ज़रूर मिलेंगे। फेसबुक ग्रुप है हमारा, वहाँ से ज़रूर जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो देखते हैं पहली वैकेंसी कौन सी प्राइवेट स्कूल की है। पहली वैकेंसी DPS देहरादून का है। DPS में दोस्तों सैलरी की बात करें तो 7th पे भी फॉलो होता है और कहीं पे कई स्कूल में कॉन्ट्रैक्चुअल सैलरी भी दी जाती है। कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कि कॉन्सोलिडेटेड सैलरी भी दी जाती है। ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर DPS कौन सी रूल फॉलो कर रही है। हो सकता है दोस्तों मेरिट बेसिस पे भी सैलरी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे वैकेंसीज नॉन टीचिंग के लिए आई हुई है, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र, लेडी सुपरवाइज़र और सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है। यहाँ आपको CV एक पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ के साथ भेजना है इसी वीक 22 से 27 तक। लेट व्हाट्सएप नंबर दी गई है, इस व्हाट्सएप नंबर पे भेजें। DPS को मैं 7th पे के कैटेगरी में इसलिए रखी हूँ दोस्तों क्योंकि एक्चुअल में DPS जो सही DPS है वो 7th पे फॉलो करती है, बट अभी ऐसा मैं मान रही हूँ, अभी ऐसा हो गया है ट्रेंड कि DPS में भी सबको स्केल नहीं मिलता है। शायद आपको एक साल दो साल के बाद स्केल आपका परमानेंट होने पे मिल जा रहा है, लेकिन अभी एक सैलरी जो है आपकी प्रीवियस सैलरी के अकॉर्डिंग 25 से 30 हज़ार तक दी जा रही है दोस्तों। लेकिन फिर भी एक बार अगर आप DPS में चले जाते हैं तो आपको ज़रूर पे स्केल ज़रूर मिल जाएगा 1-2 साल के प्रोबेशन क्लियर करने के बाद। और कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ बहुत ही रेप्यूटेड स्कूल्स में भी होती हैं, जहाँ पे स्केल फॉलो होते हैं वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं दोस्तों। ये एक्चुअली एक बजट सेव करने का तरीका होता है। दूसरी स्कूल की बात करें, RAN पब्लिक स्कूल, तो ये हम लोगों ने ज़्यादा नहीं सुना है, बट यहाँ पर मैं इसलिए इसको कवर की हूँ क्योंकि ये 7th पे स्कूल 7th पे कमीशन फॉलो करता है। लोकेशन है बिलासपुर रामपुर का। यहाँ वैकेंसी है प्रिंसिपल के लिए, 35 साल का पुराना स्कूल है, सॉरी दोस्तों 35 साल का पुराना स्कूल है। सीनियर सेकेंडरी 11-12 साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है इसके। सैलरी यहाँ पे मेंशन है दोस्तों 7th पे कमीशन एंड अदर पर्क्स। तो एज लेस देन 50 इयर्स होना चाहिए। एकोमोडेशन आपको दी जाएगी पॉश एरिया में प्रिंसिपल के लिए। सब्जेक्ट टीचर्स में सीनियर स्कूल के लिए PGT हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन BEd, TET या UP TET या CTET क्वालिफाइड होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए। यहाँ आपको देखिए दोस्तों 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मस्ट होगा 11-12 में, और 25 मई से पहले अप्लाई करना है। CV, लेटेस्ट फोटोग्राफ और मोबाइल नंबर पर्सनल कॉन्टैक्ट के लिए। आपको यहाँ पहले मेल के थ्रू अप्लाई करनी है, फर्स्ट ऑनलाइन मीटिंग होगी, उसके बाद ही फिज़िकल डेमो या फिर फिज़िकल इंटरव्यू होगा, तो ज़रूर अप्लाई करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कूल की वैकेंसी, जो कि आपकी न्यू दिल्ली से है, एम्बियंस पब्लिक स्कूल, सफदारगंज इनक्लेव न्यू दिल्ली। तो ये स्कूल दोस्तों यहाँ पर 7th पे फॉलो करती है। वैकेंसीज आई हुई हैं PGT में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, TGT में फिज़िक्स और केमिस्ट्री, प्राइमरी में ऑल सब्जेक्ट्स, और आर्ट लाइब्रेरियन और PT टीचर की रिक्वायरमेंट है। विद इन 1 वीक आपको ईमेल करना है CV इस दिए गए मेल ID पे दोस्तों। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगली है DPS की, बर्दवान यानी कि वेस्ट बंगाल। वैकेंसीज हैं वाइस प्रिंसिपल, PGT पॉलिटिकल साइंस, TGT हिस्ट्री और कंप्यूटर के लिए। TGT में 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है और PGT में पॉलिटिकल साइंस 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा गया है। मुझे जहाँ तक लगता है DPS बर्दवान दोस्तों ये रेगुलर वैकेंसी है और आपको यहाँ पे 7th पे स्केल ज़रूर मिलेगा। विद इन 7 डेज मेल ID के थ्रू अप्लाई करें। यहाँ पे मेल ID बॉटम में दी गई है, चाहे तो इसे नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये थी 4 प्राइवेट स्कूल जो आपको अच्छी सैलरी यानी कि सेंट्रल पे के
स्केल फॉलो करती है, आपको अच्छी सैलरी दी जाती है। हालांकि मैं फिक्स नहीं कह सकती हूँ, एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, जहाँ हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन मेरिट के अकॉर्डिंग सैलरी वेरी करे। तो ऐसे ही और वीडियो, ऐसे ही और वैकेंसीज आपको अपडेट करते रहूँगी दोस्तों। हमारे चैनल को देखते रहें, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। धन्यवाद।